हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन गेमिंग। बाकी कल WSB का BMBS के वीक टू के मैचेस थे और काफ़ी अच्छा खेला था WSB ने। तो आपको कुछ अच्छे फाइट और साथ में 16 फिनिशर्स के साथ चिकन डिनर वाला मैच देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे ही WSB ने चिकन निकाला, जो फैंस का सपोर्ट था, सोल फैंस और CG फैंस का, आप देखना, बहुत ही मज़ा आएगा। बाकी चलते हम सीधा वो मैच की तरफ। भी वहाँ पे करी लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं। और एक और टीम का आगमन, ओशन, ये क्या हो रहा है? WSB वो भी यहाँ पे आते हुए। मल्टीपल टीम्स, मल्टीपल रोटेशनल एरियाज, लेकिन सिर्फ एक गोल, वो है सारी फाइट्स लेना। टीम क्रो को अब यहाँ से मूव आउट करना पड़ेगा। इनफैक्ट यतिन ही बचे हैं जो अपनी टीम के लिए पोजीशन पॉइंट का गेम निकालना चाहेंगे। 3 पॉइंट्स इनके पास फिनिश के आ चुके हैं, बट WSB ऑलरेडी अपने लिए भी 3 पॉइंट्स निकाल चुके हैं। प्लस द बेस्ट पार्ट इज उनके पास चारों खिलाड़ी हैं, मतलब एक लंबी रेस को वो देख रहे हैं और उसी तरीके से मूव करेंगे। बट क्या उनके सामने वो टीम क्रो का आखिरी खिलाड़ी आया है या नहीं? फायदा वो उठा रहे हैं इस फाइट का। मल्टीपल टीम्स, मल्टीपल एरिया से इनफैक्ट एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश। इन्फर्नो स्क्वाड ने देखिए फर्स्ट हैंड ये पूरा एक्शन देखा है। सबसे ज्यादा इस समय जिसका ध्यान होगा इस पूरी बैटल में वो इन्फर्नो स्क्वाड है। बट हीरोज गेमिंग ये खिलाड़ी आए थे यहां पर और खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। एक एक खिलाड़ी उनके टेक डाउन होते रहे और दोनों टीमें अभी भी सर्वाइव कर रही है जो यहाँ पर पहले से थी। नंबर 1 और 4 एग्रेसिव मैन रॉबिन चले गए यहाँ से, ये स्मार्ट मूव था, इसमें तब्दील किया। और WSB FS के ऊपर हावी होते हुए, ये भी फाइट हमें स्टार्टिंग से लग रहा था कि हो सकती है। और इनफैक्ट ओमेगा का एक ग्रेनेड जाएगा, ट्रेस गॉड को खत्म किया जाएगा, अपना एक टीममेट ज़ेरेफ। इन्फर्नो स्क्वाड मीनवाइल दूरदराज इलाकों से बहुत फाइट्स देखी है इन्होंने, बट अब फाइट्स में इंक्लूजन की बारी है। जतन नो स्क्वाड और WSB दोनों बैठी हुई हैं। चलिए, चुबलन डिवाइन ईस्पोर्ट्स का भी खाता खुला। टीम क्रो के आखिरी प्लेयर को उन्होंने खत्म किया। देखने वाली बात है क्या चिकन निकाल सकती है जुबलेंट डिवाइन गेमिंग इस आखिरी मुकाबले के अंदर। टीम क्रो मीनवाइल पिछला मुकाबला लाजवाब था, इस मैच में 3 फ्रैग्स यहां पे मिले हैं उनको। WSB जोन के अंदर तो वो भी यहां पे चले गए, काफी इंक्रेडिबल मुकाबला। BR की स्क्वाड, जो बचे हुए प्लेयर्स हैं वो भी जोन के अंदर जाते हुए, और जोन का ये फाइनली शिफ्ट आया, सदन साइड पे जाएगा ये जोन और जुबलेंट डिवाइन ईस्पोर्ट्स को मिला है पूरा एडवांटेज। फर्नो स्क्वाड के प्लेयर्स, उनके पास 6 फिनिश आ जरूर चुके हैं, अपने लिए डिसेंट एरियाज को होल्ड करने की कोशिश। लेकिन जुबलेंट डिवाइन, शायद पूरा BMPS उस तरीके का ना हो, लेकिन ये बहुत क्रूशियल फाइट है उनके लिए अपना एरिया होल्ड करने की। WSB के प्लेयर्स उनके ऊपर हावी होना चाहते हैं, इनफैक्ट एक एक करके प्लेयर्स पर प्रेशर भी बनाया जा रहा है। कितना ज्यादा इस प्रेशर को झेल पाएंगे ये खिलाड़ी? संभवतः ये आखिरी फाइट हो सकती है इस टीम की, लेकिन इस फाइट को बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश है 1 मिनट इस सर्कल का, इस टीम का अपने हित में रखने के लिए। दूसरी तरफ WSB के जो रोटेशन थी, कितना जाए, बट ज़ेरफ उनको करा गया डाउन। असला के क्रिस का वहां पे आया एक शानदार स्प्रे। असला को भी चाहिए जोन के अंदर जगह। अरमान वो गए, ड्राइव बाय किया असला के प्लेयर के ऊपर, और अरमान मुझे लगता है कि काफी तेजी से यहाँ पे जो पीछे रुके थे दोनों प्लेयर्स, साथ में मिलकर रोकना चाहते हैं बैक स्टैबर्स को। असला को अगर रोक दिया तो मसला तो बन जाएगा, बट जुबलेंट डिवाइन ईस्पोर्ट्स को मौका मिला है कि अपने प्लेयर्स को रिवाइव करके एक एडवांटेज सिचुएशन में लाया जाए वापस। 15 लोग जीवित इस समय और ओवरऑल प्रॉपर फाइट्स उसी तरीके से देखने को मिलती हुई। असला के खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा डाला जा रहा है WSB के द्वारा। थ्रोएबल्स काफी सटीक, इनफैक्ट स्प्लैश डैमेज में प्लेयर्स को टेक डाउन किया जा रहा है। क्रिश अभी के लिए सर्वाइव करते हुए उनके साथ उनके टीम में डैडी OP, बट WSB ये हार नहीं मानने वाले, अपने लिए लोकेशंस बदल रहे हैं एक अलग एंगल से, इनफैक्ट मल्टीपल फाइट्स लेने की पूरी कोशिश करते हुए। बट जुबिलेंट डिवाइन के प्लेयर्स अब मूव करेंगे, इन्फर्नो स्क्वाड भी उस डायरेक्शन में है, उनका एडवांटेज रहेगा, बट WSB से बचना बहुत मुश्किल है। पोजीशन देखिए लाजवाब, और असला को तो जोन के अंदर एंट्री दे ही नहीं रहे वो। क्रिस को किया खत्म, जुबिलेंट डिवाइन नेक्स्ट को भी किया गया डाउन। ओमेगा ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए और फ्रैग बटोरता हुआ, ज़ेरफ उन्होंने भी नॉक किया एक प्लेयर को इन्फर्नो स्क्वाड के, और ओमेगा वो तो बैक टू बैक पर डैमेज दिए जा रहे हैं यहाँ पे। WSB भी 100 का आंकड़ा तो पार कर ही चुके हैं जिस तरीके से उनका प्रदर्शन है, 11 फिनिश। इनफैक्ट बैकेंड पर भी एक खिलाड़ी है, क्या उसके लिए जा रहे हैं थोड़ा डेस्परेट मूव? उन्हें पता चलेगा कि ये थोड़ा लेट हो चुका है, वो प्लेयर ऑलरेडी खत्म हुआ। बट WSB जुबिलेंट डिवाइन पर देखिए 2 खिलाड़ी रश करने के लिए तैयार, गॉड्स और ज़ेरफ अपने सामने स्मोक्स करेंगे, एक अच्छा कवर वॉल बनाएंगे और उसके बाद फाइट लेने की शुरुआत हो सकती है। सवाल ये भी कि असला क्वालिफाई हो पाएगी, एक ही फिनिश मिला उनको इस मैच के अंदर, हालांकि पोजीशन के अंक वो 4 लेके गए। क्रूशियल ये मुकाबला बनता हुआ जुबिलेंट डिवाइन
उनके पास मौका कि वो चिकन लेके जाएं, उनके पास मौका कि अपनी छाप छोड़ें, सबको दर्द दिखाएं कि उनमें भी क्षमता है कि वो चिकन लेके जा सकते हैं। इन्फर्नो स्क्वाड के गोटन मीनवाइल वो भी बचे हुए हैं इस मैच के अंदर, सर्वाइव कर रहे हैं इकलौते, बट शायद वो उतना बड़ा थ्रेट ना बने जितना डब्ल्यूएसबी के प्लेयर्स ऑलरेडी थ्रेट बन के बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने कर दी है शुरुआत, एक प्लेयर को तो टेक डाउन किया। अब इन्फर्नो स्क्वाड के खिलाड़ियों के लिए भी ये फिनिश पॉइंट्स बनाने का, गोटन के लिए इनफैक्ट फिनिश पॉइंट्स बनाने की उम्मीद जगाई होगी उन्होंने, बाकी प्लेयर्स लेकिन एक अपर एरिया पर है और डब्ल्यूएसबी इस डायरेक्शन में आती हुई। गोटन ने थोड़े से शॉट्स लिए, गॉड्स की एचपी काफी कम करी गई थी और जुबिलेंट डिवाइन के प्लेयर्स क्या वो टॉप थ्री में आकर के थर्ड पर ही रह जाएंगे क्या? गोटन अभी भी स्पॉट नहीं किए गए, ज़ेरेफ ने चलिए स्पॉट किया, थोड़े से शॉट्स लिए और खत्म किया है उन्हें। टॉप टू में तो वो आ चुके हैं बट डब्ल्यूएसबी के पास पूरा मौका, इट्स अ 3v1 सिनेरियो, रिवाइव करने का समय आपको मिलेगा नहीं, नॉइज़ी बॉय को क्लच ही निकालना पड़ेगा बट वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। और अब इस 3-1 के स्प्लिट को जो ब्लाइंड रिपर्स का हो रखा था उसको चकमा देने के लिए 2-2 का स्प्लिट सामने आया है जिसमें जक्सी को सबसे पहले डाउन किया ओमेगा ने, आइजल ने अपने हाथ में पूरा का पूरा गेम पकड़ा है और दूसरे प्लेयर को भी टेक डाउन किया। और इसीलिए मैं बात कर भी रहा था कि वो पेशेंस गेम बढ़िया है पर इतना भी नहीं कि जब सामने खिलाड़ी आए तो फिर आपका जो वेपन है वो चले ही ना। स्कार जॉर्ड वो भी डाउन करे गए और अब आखिरी खिलाड़ी लिट बॉय, वो जो सबसे दूर था खिलाड़ी अपनी टीम से, वही खिलाड़ी बचा हुआ दिखाई देगा। और डब्ल्यूएसबी शुरुआत उनकी बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से हुई, लिट बॉय वो खिलाड़ी सामने, उन्होंने तो खैर टीम एक्सपार्क को एलिमिनेट किया है और लंबे फासले के साथ आप हीरो एक्सट्रीम 125R का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। लेकिन इस समय तो देखना ये कि कौन सा खिलाड़ी किस तरीके का वेपन का इस्तेमाल करता है क्योंकि ब्लाइंड के ऊपर फाइट आ चुकी है बट स्टिल दे आर रिफ्यूजिंग। नोवा अभी भी फाइट लेने की कोशिशों के अंदर पूरे तरीके से तैयार थे ना, तत्पर एचपी बहुत कम और उन्हें भी टेकडाउन किया जाएगा। डीपी आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, फाइट में जाएंगे या डिसएंगेज करेंगे, एक बहुत बड़ा डिसीजन उनके सर पे। दो खिलाड़ियों को उन्होंने नॉक किया था, एक आखिरी खिलाड़ी अरमान बचे हुए थे, मुझे लगा था कि उन्होंने इस मैच में जैसे हमने कहा था ना कि एग्रेशन वो दिखाएंगे बट उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, जोन के अंदर जब से आए हैं तब से बस वो होल्ड कर रहे हैं। मीनवाइल असला उन्होंने वो एग्रेशन इनफैक्ट दिखाया बट डब्ल्यूएसबी को देखिए वहां पे आक्रमण किया और इन्फर्नो स्क्वाड, वैसे फर्क पड़ना नहीं चाहिए उनको क्योंकि 70 का आंकड़ा वो छू चुके थे इस मैच से पहले ही बट इस मैच में बहुत सारे फ्लैग्स निकाल के वो गए। वही टीम प्रो की अगर बात की जाए केवल एक प्लेयर बचा है यहाँ पे उनका भी और इतनी डिशेस देखिए कि असला ने कितने सारे निकाले हैं और यहाँ से तो दो प्लेसमेंट पॉइंट भी उनको मिल जाएंगे अगर उनका एलिमिनेशन होता है। गॉडजी वो आगे बढ़े, एक और खिलाड़ी को डाउन किया मेगाट्रॉन, वो एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से टीम एक्सपायर सारंग वो भी डाउन कर दिए गए। असला दिक्कतें अब उनके लिए थोड़ी सी ज्यादा पर मेगाट्रॉन वो हील बैटल करने के लिए खिलाड़ी पहले से ही तैयार था, 8 फिनिशेस निकाले गए और जैसे आपने बताया था कि 30 से उन्होंने शुरुआत करी थी 38 तक वो पहुंच पाए। अब अगर वो टॉप 3 तक भी अपनी टीम को लेकर आते हैं, 5 प्लेसमेंट पॉइंट भी निकाले जाते हैं तो भी कह सकते हैं कि हाँ दिन की शुरुआत उन्होंने अच्छी करी अपनी टीम के लिए। देखिए एफर्ट्स की हम बात करते हैं और 4AM का एफर्ट देखिए, 41 अंक थे इस मैच से पहले और इस मैच में क्या शानदार कमबैक करेंगे चरण, उन्होंने ज़ेरेफ को फिनिश किया, मेगाट्रॉन उनका भी एलिमिनेशन प्ले जोन के बाहर, ओमेगा उनका जो फोर स्टेट था वो समाप्त हुआ पर 4AM को बहुत ज्यादा वो डैमेज देके चले गए और नंबर वन उनके पास पूरा मौका, ये मुकाबला वो जीत पाए। 4AM अब बचे रहेंगे मात्र 2 खिलाड़ियों के साथ पर सामने नंबर वन।